तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक शर्मा। आईटेल ये ब्रांड हिंदुस्तानी लोगों में दिल में ये तो जगह बना रहा है, क्योंकि इसका प्राइस सेगमेंट दो फोन लॉन्च होने वाला है। ये है आईटेल P55 और ये है आईटेल P55 प्लस। बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, प्राइस स्टार्टिंग हो रहा है। ये आपको मिलेंगी 7499 में। इसका बेस्ट वेरियंट है 4GB प्लस 120GB, और ये इसमें आपको बेस्ट वेरियंट होगा 8GB प्लस 256GB। इसका प्राइस होगा 8999। ये दो बेस्ट वेरिएंट इंडियन लोगों को फिर से दिल में जगह बनाने के लिए और पॉकेट में भी जगह बनने के लिए आईटेल का जी भर के कोशिश कर रहा है। लेकिन हमको क्या, अगर आपको फ़ोन सिर्फ आपको ऐसे ही फ़ोन चाहिए तो आईटेल ब्रांड आप ले सकते हो। लेकिन कुछ भी मोबाइल खरीदने से पहले इसका शक्ति, झेलने का शक्ति, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मोबाइल इन दोनों के पास झेलने का शक्ति जो है ये आपको डिफाइन करेगा यूसोनिक टाइगर T606 प्रोसेसर के साथ। मतलब इन दोनों फ़ोन में ये प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर का मैक्सिमम जो स्कोर जाता है ना, पहले यहाँ पे ओक्टा कोर बेस प्रोम होगा, पहला कोर होगा 2.0 GHz के साथ जो कि मैक्सिमम कोर, और दूसरा कोर होगा 4X Cortex के साथ 1.6 GHz में। और ये इसका जो फैब प्रोसेस है ना, ये 12 सेमीकंडक्टर साइज़ के आपको देखने को मिलता है, जो उसके सेमीकंडक्टर साइज़। और इसका जो मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा है ना, ये इसमें आर्म मॉल G52 हमको देखने को मिलता है। मतलब इस फ़ोन के साथ, ये चिपसेट के साथ, ये दोनों फ़ोन में आपको अगर आप दिमाग में लगा रहे हैं ना, इसमें हम ढेर सारे गेम खेलेंगे, ढेर सारे फोटो हम करेंगे, ढेर सारे मल्टीटास्किंग करेंगे, तो आपको क्या सुनने को मिलेंगी, ना बाबा ना, ना बाबा तुमसे ना हो पाएगा। वो कैसे, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नया अगर आप देख रहे हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मोबाइल खरीदने के बाद आपको वाट ना लगे, वाट 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 ना लगे, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों फ़ोन का तारीफ, पहले तारीफ सुन लो। इन दोनों के पास है 6.6 इंच का HD+ 90Hz का रिफ्रेश रेट। ठीक है, 10,000 के बजट में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट दे रहे हो, HD+ देख रहे हो, ओके ये जस्ता है, ये जस्ता है। डिस्प्ले इसमें ठीक ठाक लगाया गया है, ना कि एक्सेल। हाँ, प्राइस के हिसाब से ये डिस्प्ले वेरिएंट आपके लिए बेहतरीन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी के जो सेगमेंट है ना, आईटेल P55 जिसमें आपको देखने को मिल रहा है 5000 mAh का बैटरी, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करके 18W का। लेकिन जो जो ये P55 प्लस है, जो प्रो वर्जन, इसमें आपको देखने को मिलता है 5000 बैटरी के साथ 45W का फास्ट चार्जिंग। ओके, प्राइस के हिसाब से बैटरी सेगमेंट का आपको सुंदर सा आपको देखने को मिल रहा है। ये है इन दोनों का तारीफ की बात है। अभी हम बताते हैं कि ये फ़ोन में आपको क्या बाद में वाट लगने वाला है। पहले बता दिया इसका गेमिंग उसके ऊपर, सेकेंड जो आता है इसका कैमरा सेगमेंट का, देखने में इसका मॉडल में तो कितना ब्यूटीफुल वाव हमको देखने को मिलता है। 50 MP इसका होगा, और उसके साथ आपका ड्यूल कैमरा, यहाँ पे कैमरा देखते 50+ जो इसका मेन सेंसर रहेगा, और जो उसके पास सेकेंडरी जो है उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें आपको 50 MP इसमें कैमरा दिया गया है, इसमें आपको सिर्फ आपको फुल HD 30 FPS का साथ रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन ये सब यहाँ पे ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा कोई ऐप्स जब इस्तेमाल करेंगे ना, ये फ़ोन में अगर आप 4K या फिर 2K फिर फुल HD रेजोल्यूशन के लिए अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस फ़ोन में कर देगा लैग, हैंग, वाट इसमें बाद में आपको लग सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कैमरा के मामले में ये फ़ोन मत लो तो मत लो, गेमिंग के मामले में ये फ़ोन मत लो तो मत लो। और इसका और एक सुविधा बता रहा हूँ कि इसमें आपको देखने को मिलता है 3.5 mm का जैक, जो कि इसमें खूबसूरत हमको देखने को मिलता है। आखिर में लोगों के दिमाग में एक बात घुसा रहता है जो कि निकालना बहुत ही मुश्किल है, वो है कि इसका जो मार्केट या ऑडियंस को टारगेट कर रहा है 8GB RAM के ऊपर। देखिए भाई, इसमें 8GB RAM होगा, 4GB या वर्चुअल रैम इसमें कर सकते हो, ऐसे नहीं। लेकिन भाई आजकल जितना अपग्रेड हो रहा है ना गेम वाले, उसमें CPU रेंडर करने के लिए, ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसमें प्रोसेसर भी बहुत ही थंका होना पड़ेगा भाई, तभी इसमें गेम आप खेल पाएंगे। तो ये फ़ोन आप ले सकते हो कि एक नॉर्मल जैसा कोई आप गेम खेल रहे हो, कोई नॉर्मल ऐसे शॉपिंग एप्लीकेशन कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक है। अमेजोन के लिए, अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स में वीडियो देखने के लिए ये आप कर सकते हो, बस इतना ही आपको मज़ा आएगा, इतना पैसे में आपको इतना ही मिलेंगे। ब्रांड शायद जो भी हो, मुझे इसका परवाह नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ, उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करके रखना। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।